Ittefaq, a remake of Rajesh Khanna's film of the same name, sees Siddharth Malhotra and Sonakshi Sinha in Fierce Avatars as suspects to murders. We also get to see Akshay Khanna in Fierce Detective Avatar. It is an action thriller film that revolves around two murders, two suspects and their two versions. We have seen trailer and posters of the film and not any interview or promotional activity yet. At an event when Karan Johar was asked why Ittefaq team is away from the media, then Karan said, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या है कि हम चाहते हैं कि जो इत्तेफाक में जो स्टोरी पॉइंट्स हैं, जो इंट्रीग वाले पॉइंट्स हैं, जो मिस्ट्री पॉइंट्स हैं, थ्रिलिंग के पॉइंट्स हैं, वो हम एकदम प्रोटेक्ट करें. एक्टर्स जब बाहर जाते हैं प्रमोशंस में, इंटरव्यूज़ द्वारा, कभी कभी कुछ फैक्ट्स या कहानी के जो डिटेल्स रिवील करते हैं, तो इस बार हम चाहते हैं BR फिल्म, शाहरुख खान और मैं, हम तीन चाहते हैं कि हम फिल्म को बहुत ज़्यादा उनके जो फिल्म का कंटेंट हो उसे प्रोटेक्ट करें. इसलिए हमारा स्टैंड है कि नो प्रमोशन, नो रियलिटी शो, नो इंटरव्यू, नो मीडिया प्रेजेंस. ट्रेलर है, फिर एक गाना हम कल शूट कर रहे हैं जो एक हफ्ते बाद, ये गाना हम वो कहाँ पता नहीं, और ये हमने रीमिक्स किया है पुराना गाना जो नमक हलाल का गाना था, रात बाकी, जो हमारे फिल्म के साथ बहुत अच्छी तरह जाता है. रात बाकी को हम आज अपने नए इम्पैक्ट के साथ हम प्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिद्धार्थ और सोनाक्षी और अक्षय तीनों ये गाने में होंगे. इंटरेस्टिंग म्यूजिक वीडियो बनेगा. तो यही दो यूनिट्स होंगे हमारे, एक थिएट्रिकल यूनिट है और एक रात बाकी है, और फिर बात बाकी जो फ्यूचर की बात होगी जो November 3 को रिलीज होगी. अगर सोनाक्षी सिद्धार्थ कहीं मिलते हैं और हमसे सवाल पूछते हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे? यानी आपने टेप लगा दिया? मैंने बिल्कुल टेप लगा दिया मीडिया पे बिल्कुल. और ये हम मीडिया की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये हमारी एक नई स्ट्रैटेजी है कि हम इस फिल्म को ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, कि जितना कम हम बात करें उतना बेहतर होगा फिल्म के लिए. बेसिकली द फिल्म इज सेट फॉर इनिशियल रिलीज.